और जिन स्टूडेंट्स का बजट थोड़ा सा कम होता है उसको यूरोप में या हंगरी में या साइप्रस में, उन कंट्रीज़ में जहाँ पे फ़ी कंपैरेटिवली कम है, वहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं कि वो वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा उनकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है। काफ़ी ज़्यादा उसकी इश्यूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कैरियर काउंसलिंग के ऊपर कोई वर्किंग नहीं होती और गाइडेंस भी नहीं होती। अगर स्टडी अब्रॉड के लिए कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो हमने उसको प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हमारे पास ट्रेंड कंसल्टेंट हैं जो ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड हैं, वो उनको बाकायदा गाइड करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए और उसकी एजुकेशन का क्या बेनिफिट होगा, उसकी डिग्री की क्या रिकग्निशन होगी। पियर्सन्स एक बहुत पुराना अदारा है जो PTE का टेस्ट कंडक्ट करता है और ये भी काफ़ी पॉपुलर टेस्ट है और इसको ऑस्ट्रेलिया और यूके की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। TOEFL जो है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल है। इसका जो टेस्ट है वो ETS जो है वो कंडक्ट करता है। इसी तरह से लैंग्वेज सर्ट एक टेस्ट है जो अभी बड़ा तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, ये भी यूके की काफ़ी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम गाइड भी करते हैं और यूनिवर्सिटी वाले जो टेस्ट उनको रिकमेंड करते हैं उनकी गाइडेंस के मुताबिक उस टेस्ट की उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूँ मोहित राशिद भट्ट। नाज़रीन, हर एक बच्चे का ख्वाब होता है कि वो अब्रॉड में जा के स्टडी करे और बाहर का एक्सपोजर हासिल करे, बाहर के ममालिक में जा के एक्सपीरियंस हासिल करे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उस स्टूडेंट को या उस शख्स को क्या क्या प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ता है, किन वजूहात के बिना पर या उसका एडमिशन बाहर नहीं हो पाता है, या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि आपको बाहर जाकर अब्रॉड में स्टडी करना पड़ता है, वो आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के है जो कि बाहर जाकर अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं, और इस वीडियो में हम आपको वो तमाम प्रोसीजर बताएंगे जो कि आपके लिए जो है वो मददगार साबित होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इदारा जो है वो कराता है IELTS और TOEFL, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज कराता है जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं बाहर की स्टडी के लिए, बाहर में एडमिशन लेने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस इदारे के CEO जनाब मोहम्मद आसिम इदरीस साहब, और आज हम इनसे डिटेल में प्रोसीजर पूछेंगे उन तमाम बच्चों के लिए जो कि बहुत कन्फ्यूज़ हैं कि वो किस तरह से बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। सलाम अलैकुम सर, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इसका क्या आइडिया है और किस मकसद के लिए आपने इंस्टीट्यूट खोला? प्रीमियर इंस्टीट्यूट हमने इस्टेब्लिश किया था 2005-06 में, और प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि स्टूडेंट्स के जो सॉफ्ट स्किल्स हैं और उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने के लिए हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप हमने ये सारी की सारी चीज़ें, माइलस्टोन्स को अचीव किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टीट्यूट जो है लोकल सतह पे और इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, और हमारी जो कोर प्रोग्राम्स हम ऑफ़र करते हैं उसमें इंग्लिश के जो टेस्ट हैं, IELTS है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, PTE टेस्ट है, TOEFL है और लैंग्वेज सर्ट है, इन तमाम टेस्टों को जो पूरी दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए सबसे प्राइम एक रोल इन टेस्ट का होता है, इन सब की तैयारी हम करा रहे हैं। सर मुझे ये बताएं कि इन इदारों का एफिलिएट होना भी बहुत ज़रूरी है, रिकग्नाइज होना भी बहुत ज़रूरी है, जो भी टेस्ट वगैरह आपने जिक्र किए हैं IELTS का और TOEFL का, इनके लिए रिकग्नाइजेशन ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप आजकल तो आप ये देखें हर गली मोहल्ले के अंदर मशरूम ग्रोथ्स है और छोटे बड़े इदारे काफ़ी खुले हुए हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के बगैर स्टूडेंट्स की को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अदारा है वो इस वक्त दुनिया की जो मुमताज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ एफिलेटेड है। जैसे कि IELTS का जो टेस्ट है पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल या IDP कंडक्ट करता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा इन दोनों अदारों की तमाम स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है और हमारे ट्रेनर जो हैं वो सेल्टा क्वालिफाइड ट्रेनर हैं जो ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी तरह पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो PTE टेस्ट है, इसके लिए हम पियर्सन्स के साथ एफिलिएटेड हैं, और लैंग्वेज सर्ट के लिए लैंग्वेज सर्ट के साथ हमारा अदारा जो है वो एफिलिएट है। इनके दो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं
लैब से रिलेटेड, फैकल्टी से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने फुलफ़िल की हैं, ताकि स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया जाए, फैसिलिटीज़ भी दी जाए और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको अचीव किया जाए। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमने आइट्स टेस्ट का तो नाम बहुत सुना है और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता भी है कि ये टेस्ट क्या है। टॉफल टेस्ट का क्या मतलब है? हमने सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बाहर की वो आइट्स टेस्ट को जो है वो एप्लीकेबल करती हैं। कुछ सवाल की है हमारी ऑडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं एजुकेट करता चलूँ कि टोफल की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज़ के लिए है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के लिए। इसी तरह से अब पियर्सन्स एक बहुत पुराना अदारा है जो पीटीई का टेस्ट कंडक्ट करता है और ये भी काफ़ी पॉपुलर टेस्ट है और इसको ऑस्ट्रेलिया और यूके की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। टोफल जो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल है। इसका जो टेस्ट है वो ETS जो है वो कंडक्ट करता है। इसी तरह से लैंग्वेज सर्ट एक टेस्ट है जो अभी बड़ा तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, ये भी यूके की काफ़ी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम गाइड भी करते हैं और यूनिवर्सिटी वाले जो टेस्ट उनको रिकमेंड करते हैं उनकी गाइडेंस के मुताबिक उस टेस्ट की उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। और सिर्फ टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं होती, उसके अलावा स्टूडेंट को कैरियर काउंसलिंग में भी हम गाइड करते हैं और यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट के लिए भी गाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के लिए भी गाइड करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा उसकी इश्यूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कैरियर काउंसलिंग के ऊपर कोई वर्किंग नहीं होती और गाइडेंस भी नहीं होती। अगर स्टडी अब्रॉड के लिए कोई बच्चा जाना चाह रहा है तो हमने उसको प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हमारे पास ट्रेंड कंसल्टेंट हैं जो ब्रिटिश काउंसिल से सर्टिफाइड हैं, वो उनको बाकायदा गाइड करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए और उसकी एजुकेशन का क्या बेनिफिट होगा, उसकी डिग्री की क्या रिकग्निशन होगी और उस एजुकेशन को कम्प्लीट करने के बाद उसको जॉब्स के अंदर आउट ऑफ कंट्री क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या फैसिलिटेशन मिल सकती है। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ज़्यादातर, क्योंकि आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी जाते हैं बाहर, बहुत सारे बैचलर्स के लिए भी बाहर जाते हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन से मुल्क को चूज़ करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का बजट का इशूज़ होता है, बहुत सारी दीगर फाइनेंशियल इशूज़ होते हैं। आपके ख्याल में कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, वहाँ पर जाके आपको लैंग्वेज बैरियर कुछ ममालिक में जो है वो आपको फेस करना पड़ता है वो भी ना हो? देखिए उसमें जो हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स की जो एक प्रेफरेंस होती है वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा, उनकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पर होता है। फिर आपको ये एजुकेट करता चलूँ कि जर्मनी की बाज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देती हैं, लेकिन उनकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रा थोड़ी सी टफ़ हैं, उनको फुलफ़िल अगर स्टूडेंट कर ले तो फ्री एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। और जिन स्टूडेंट्स का बजट थोड़ा सा कम होता है उसको यूरोप में या हंगरी में या साइप्रस में, उन कंट्रीज़ में जहाँ पर फ़ी कंपेरेटिवली कम है, वहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं कि वो वहाँ पर अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करें। दूसरी बात, आपने जो बजट के हवाले से बात की है तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि स्टूडेंट को अपनी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस के हवाले से अपने फ़ंड्स को एलोकेट करना पड़ता है। उसके बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में जॉब करने की हर स्टूडेंट को इजाज़त होती है कि वो पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए जॉब करके अपने स्टडी एक्सपेंसेस को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकता है। प्लस वो स्टूडेंट जिनकी एजुकेशन में अच्छी पोजिशन होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टडी के दौरान वो अच्छी पैरेलल जॉब करके अपने स्टडी एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। और बाज़ बच्चे हमारे माशाल्लाह ऐसे भी हैं जो कुछ अमाउंट को सेव करके अपने घर वालों को भी कुछ अमाउंट सेंड करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देखें, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में चंद एक यूनिवर्सिटीज़ के अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज़ की 500 यूनिवर्सिटीज़ में भी कोई पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं आती, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, जॉब प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और उनकी डिग्री की बेस पे पूरी दुनिया में जॉब हंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट को गाइड भी करते हैं थोड़ा सा इस बारे में, इस यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाज़ औक़ात थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा स्पेंड करके आप एक बहुत रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए कि वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कम्प्लीट कर ले, और जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उसको विद इन अ फ्यू ईयर्स वो उसको रिकवर भी कर सकता। सर एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब ने फुली फंडेड जो है वो स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, आपको लगता है कि पाकिस्तान के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान अरब ममालिक में भी है स्टडी के लिए, या ज़्यादातर आपने जिस तरह बताया कनाडा यूरोप और यूके की वाली साइड पर जाना चाहते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सऊदी अरब के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए और बाकी कंट्रीज़ के लिए भी फ्री एजुकेशन की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, लेकिन अभी उसकी अवेयरनेस उस तरह से जनरेट नहीं हुई, और लोगों की एक और भी परसेप्शन बनी हुई है कैसे ऑस्ट्रेलिया में आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद पीआर ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं, यूके में आप पोस्ट स्टडी वर्क कर सकते हैं, तो सऊदी अरब के हवाले से अभी वो अवेयरनेस नहीं है जिसको मेरे ख्याल में भी एजुकेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अपना रोल प्ले करना चाहिए, प्लस इसका सोशल मीडिया पे और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि उनको बताया जाए कि सऊदी अरब में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, और उसके अलावा वो थोड़ा सा स्टाइपेंड भी देते हैं कि ताकि स्टूडेंट अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके। फिर अभी कुछ सुनने में ये भी आ रहा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के क्रेडिट आवर्स को, सऊदी यूनिवर्सिटीज़ के क्रेडिट आवर्स को यूरोप और अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन उसके बारे में अभी कोई इतनी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें रिवील हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की नस्बत डेफिनेटली सऊदी अरब की एजुकेशन के ऊपर मेरा ख्याल है कि अभी रिलाई किया जा सकता है और वहाँ की एजुकेशन जो है वो ली जा सकती है। सर आखिर में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से मेंटली तौर पे और क्या क्वालिटीज़ को अडेप्ट करके अपने आप को बाहर की स्टडीज़ के लिए जो है वो तैयार कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन के दौरान, अगर वो इंटरमीडिएट में है या ग्रेजुएशन में है, तो उसको डिफरेंट फोरम्स ऐसी ज्वाइन करनी चाहिए जो उनको फर्दर स्टडीज़ के बारे में या फॉरेन स्टडीज़ के बारे में एजुकेट भी करें, गाइड भी करें, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त कन्वेंशनल एजुकेशन जो है उससे हटके कुछ मॉडर्न एजुकेशन की बात हो रही है। जैसे कि अगर आप आईटी और कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड देखते हैं तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है और नए ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसके कैरिकुलम पे भी इतनी वर्किंग नहीं हुई, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि आईटी के बाद ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी कंप्लीशन के बाद अभी आप अपने फाइनल सेमेस्टर में होते हैं तो आपको इतनी आउटस्टैंडिंग जॉब्स ऑफर हो जाती हैं कि आप उसको एक पाकिस्तान जैसे कंट्री में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये भी चाहिए कि कुछ स्किल्स अपनी जनरल एजुकेशन के साथ वो अपने इन्हांस करें, जैसे उसके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, उसकी आईटी स्किल्स हैं, उसको ऐसे छोटे छोटे सर्टिफिकेशन को साथ साइमेंटेनियसली कंप्लीट करना चाहिए कि अगर वो यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाता है तो उसको डिपेंडेंसी किसी चीज़ पे ना हो। और ये भी चीज़ है, मतलब मैं अब एक चीज़ और भी एजुकेट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर आप उसकी फ़ीस को देखते हैं तो वो 1 मिलियन से 2 मिलियन के दरमियान है। उसी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट में आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके की यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ अमाउंट मज़ीद ऐड करके वर्ल्ड क्लास रिकग्नाइज डिग्री भी ले सकते हैं, तो लोगों को इसके बारे में भी एजुकेट किया जाना ज़रूरी है। प्लस एक लोगों के जहन में है कि आइल्स या पीटीई या लैंग्वेज सर्ट का जो टेस्ट है ये बड़ी कोई मुश्किल चीज़ है, तो इसके बारे में भी हम स्टूडेंट को मुख्तलिफ टाइमिंग्स टाइम टू टाइम एजुकेट करते रहते हैं कि इस टेस्ट प्रॉपर गाइडेंस हो तो इसमें स्टूडेंट अपना अच्छा बैंड, अच्छा स्कोर मेंटेन कर सकता है, जो कि एक बेसिक प्री रिक्विजिट है फॉरेन स्टडीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में स्टूडेंट को यही मैं एडवाइस करूँगा कि अपने गिरदोनवा में जो अच्छे टीचर्स हैं, जो अच्छे कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमसे रब्ता करें, उनसे रब्ता करें और अपने कैरियर को फोकस करना शुरू कर दें जब उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है या स्टडी का कोई ड्रीम फुलफ़िल करना है, तो वो शुरू से उसके बारे में प्लान करें। हमारा अनफॉर्चुनेटली मसला ये होता है, स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कम्प्लीट कर लेता है, उसको यही नहीं पता होता कि मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में पढ़ना है या पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना है। अगर पाकिस्तान से बाहर जाके पढ़ना है तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको कौन कौन से टेस्ट क्वालिफाई करने हैं, उसको फंड्स कितने रिक्वायर्ड हैं, तो ये सारी चीज़ें विद ड्यूरिंग द स्टडीज उसको अपनी फर्दर स्टडी से पहले पहले कम्प्लीट और फुलफ़िल करनी चाहिए।
सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे जो हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी यही पैगाम है कि मेंटली तौर पर अपने आप को जो है तैयार कर लें अगर आपने बाहर जाके पढ़ना है, और जितनी भी चीज़ें सर ने हमें बताई हैं उस पर अगर आप ग्रिप हासिल कर लेंगे तो कोई भी आपको बाहर जाकर फर्दर स्टडीज़ करने से नहीं रोक सकता है। मैं था मोहित राशिद भट्ट और आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।